कोनिचीवा गाइस, कैसे हो आप सब। जापान सिंह के एपिसोड नंबर 5 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड के शुरुआत में हमें वो बुड्ढा दिखाया जाता है जो कि नहाते नहाते बोल रहा होता है, मुझे पता है वो इधर ही है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि रात कैसी बीती, अच्छे से सोए कि नहीं सोए। और फिर जो फॉरनर होता है वो बोलता है, क्या तुम लोग मदर का रिचुअल ज्वाइन करने वाले हो। तो जो छोटा बच्चा होता है वो पूछता है मदर का रिचुअल क्या होता है। फिर बोलता है वो देखो वो मूर्ति दिख रही है, उसी के नीचे रिचुअल हो रहा है। और वो बच्चा वो मूर्ति देख के बहुत ज्यादा मतलब हैरान हो जाते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति है उधर। और फिर वो बताता है कि ये एक शॉन सिटी है जो कि सबको रहने की जगह देता है और किसी को भी मतलब यहाँ से भगाता नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और फिर तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और अपने दोनों हाथ क्रॉस करके कंधे पर रखती है और बोलती है अगर आप लोग तैयार है तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर जो मिस मूटो होती है वो बोलती है क्या ये एक रिलीजियस ग्रुप है। तो जो फॉरनर होता है वो बताता है नहीं नहीं ये एक रिलीजियस ग्रुप नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जो कि मदर की एबिलिटी से अटैच्ड है। और फिर तभी वहाँ पे वो मदर आ जाती है कुछ लोगों के साथ और वो एक लड़की को छूती है और वो लड़की नीचे बैठ के रोने लगती है। और फिर वो मदर वहाँ से चली जाती है और फिर अचानक से एक बंदा उसमें से उठ के बोलता है कि अब समय हो गया है डैड के साथ बात करने का। और फिर तभी वो फॉरनर बताता है कि मदर के पास ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। और फिर तभी वहाँ पे सभी लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं ये कैसे कर लेती है। और फिर तभी वही बंदा बोलता है जो जो चूज किए गए हैं वो प्लीज अंदर आ जाइए। और फिर तभी वो बुड्ढा उस बच्चे को बोलता है कि ड्राइव करो और मुझे उस वुमन के पास ले चलो जो जहाँ पे भी वो जा रही है। और फिर तभी गेट पे वो एक आदमी उसको रोक लेता है और बोलता है कि किधर जा रहे हो। तो वो बुड्ढा बोलता है मैं रिचुअल ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है सबके सब अंदर आ जाते हैं और एक बंदा उनको गाइड कर रहा होता है कि कैसे मदर मरे हुए लोगों से बात करती है और जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी वजह से कोई उनका परिवार वाला मर गया तो उनसे वो बात करवाती है। और फिर तभी अंदर जाने के बाद मिस मूटो उससे पूछते है कि वो बच्चा कौन है। तो वो आदमी बताता है कि वो लॉर्ड दाइची है जो कि सिंबल ऑफ शॉन सिटी है जिसकी मदद से मदर अपना एबिलिटी यूज करती है। और वहीं पे जो अयुमी होती है वो बोलती है क्या वो 10 साल का है। और वो आदमी बताता है हाँ, और हम लोग जल्द ही उनका बर्थडे मनाने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की मदर को अपनी माँ का पर्स देती है और जैसे ही मदर उसकी माँ का पर्स लेती है और अचानक से वो उसकी माँ जैसे एक्ट करने लगती है और उसको बोलने लगती है कि बेटी मुझे याद है कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी जब सुनामी आया था और जो बैंक का पिन नंबर है वो वॉल्ट में स्टोर है और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। और फिर तभी वो लड़की बोलती है हाँ मैं समझ गई मॉम और वो रोने लगती है। और फिर तभी दूसरा आदमी आता है और वो अपनी पापा का वॉच देता है और वो जो मदर होती है वो वॉच लेके उसके पापा जैसे एक्ट करने लगती है और उसको बोलती है कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, मेरी जगह तुम्हें मरना चाहिए क्यों है ना। और फिर वो जो आदमी होता है वो डर के नीचे गिर जाता है। और फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग बालकनी टाइप जगह पे आ जाते हैं और जो अयुमू का भाई होता है वो बोलता है कि मुझे भी अपने पापा से बात करना और वो मना कर देती है। फिर सभी सभी कहीं जा रहे होते हैं और रस्ते में मदर और उसके साथ जो बच्चा होता है वो मिलते हैं। तो जो यूट्यूबर होता है जिसका नाम काइट होता है वो कोगा से चश्मा लेके मदर के पास जा रहा होता है, तभी एक आदमी उसको रोक देता है और बोलता है कि नहीं अभी नहीं समय खत्म हो गया। और वो जो मदर होती है वो बोलती है लोग फ्री है जो भी उनको पसंद है। और फिर तभी काइट मदर को बोलता है ये किसी आदमी का है इसको टच करो और जो गार्ड होता है वो बोलता है कि अभी समय खत्म हो गया। तभी काइट उसको बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो चुप रहो। और फिर तभी मदर चश्मा टच करती है और जो गार्ड होता है वो बोलता है कि मदर सिर्फ 3 लोग से ही बात करा सकती है एक दिन में। और फिर वो लोग जाने लगते हैं और तभी जो मदर होती है वो बोलती है कि मैंने अपनी मर्जी से ब्रेक लिया था, तुम लोग अपने आप को कोसना मत। और फिर तभी अयुमू जो होती है वो बोलती है ये ननामी है और वहां बैठ के रोने लगती है। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सब लोग खाना खाने बैठे हुए रहते हैं और जो खाना बनाने वाला मतलब जो सर्व कर रहा होता है सबको वो बताता है कि यहाँ पे एक स्कूल है तो क्यों ना तुम स्कूल भी जाया करो। तो जो मिस मूटो होती है वो बोलती है हाँ ये मेरा बच्चा है ये जा सकता है स्कूल। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो अयुमू होती है वो एक आदमी के पास जाती है जो कि बेड पे लेटा हुआ रहता है और वो हिल भी नहीं सकता, वो खाली पलके झपका सकता है। और वो उसका मुंह साफ करती है और देखती है कि वो जो आदमी है वो अपने पलके झपका रहा है और साइड में लोहे पे अपनी उंगली मार रहा है बार बार। और तभी वो बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। और फिर अचानक से हल्का सा भूकंप आता है और जो अयुमू होती है वो बोलती है कि क्या तुमने अभी अभी भूकंप प्रिडिक्ट कर लिया, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो अयुमू का भाई होता है वो टॉर्च बार बार जला रहा था और बंद कर रहा था। फिर अयुमू उससे पूछती है ये
तुम क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मैं अपने डैड से बात कर रहा हूँ मोर्स कोड से। तो वो बताता है कि मुझे अपने डैड से बात करना है, कि हम लोग कर सकते हैं क्या? तुम्हें डर लगता है कि डैड क्या कहेंगे? और आयू बोलती है तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू हो, और वो बोलती हाँ लग तो रहा है। और फिर हमें दिखाया था वो लोग टेंट के अंदर सो रहे होते हैं, और आयुमू का भाई उसको बोलता है कि क्या तुम आज पार्टी में जाने वाली हो, क्योंकि मुझे किसी ने इनवाइट किया था पार्टी में। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि आयुमू अपने मॉम से बात कर रही होती है कि उसका बाल लंबा हो गया है, और फिर वो बोलती है कि क्या आज आप पार्टी में जाने वाली हो, तो वो मना कर देती है, बोलती है वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा। और फिर आयुमू बोलती है मैं तो जा रही हूँ, और वो जाने लगती है, और तभी गेट के ऊपर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे अपने डैड से बात करना है, कि आपको बात नहीं करना? तो वो जो उसकी मॉम होती है वो बोलती नहीं मुझे नहीं करना। और फिर जो आयुमू होती है वो अपनी मॉम को भला बुरा कह देती है, और उसी की वजह से उसकी जो मॉम होती है वो थोड़ी उदास हो जाती है। और फिर तभी वो आयुमू जो होती है वो वहाँ से भाग के पार्टी में चली जाती है। और फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग दारू पी रहे होते हैं, ड्रग्स कर रहे होते हैं, गाना वाना सब, लाइटिंग वाइटिंग अच्छे से लगा हुआ रहता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो आयुमू का भाई होता है वो मस्त गेम खेल रहा होता है उधर। और फिर तभी जो गाइड होता है वो उधर से डीजे के पास जाके उसको भगा देता है, और बोलता है कि मैं यहाँ से टेक ओवर कर लेता हूँ, और वो जाके सॉन्ग बंद करते हैं और फिर खुद ही डीजे बन जाता है। और फिर जो कोगा होता है उसको बुलाता है, क्योंकि जो गाना लगा रहता है वो उसी का गाना होता है, और वो लोग मस्त पार्टी करते हैं। और फिर तभी हमें आयुमू दिखाई जाती है जो कि डांस कर रही थी, और तभी एक आदमी की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वो सिगरेट पी रहा होता है। और फिर तभी हमें वो पेशेंट दिखाया जाता है जो कि बार बार लोहे के ऊपर अपना उंगली मार रहा होता है। और फिर हमें वो बुढ़ा दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है तीरंदाजी का, और वो बोल रहा है कि वो मेरे इंतज़ार कर रही होगी। और फिर तभी हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो आदमी आयुमू से बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या चलो हम लोग यहाँ से बाहर चलते और जाके बात करते हैं, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा शोर है। और फिर तभी वो उसको बाहर लेके चला जाता है और बात कर रहा होता है कि क्या तुमने मदर के रिचुअल में पार्टिसिपेट किया कि नहीं। और फिर तभी वो आदमी उस आयुमू का फ़ायदा उठाने लगता है, और जो अपनी आयुमू होती है वो उसके मेन पार्ट पर जोर से लात मार देती है, और तभी वहाँ पर काइट आ जाता है और वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने ये क्या किया, बड़ा अच्छा काम किया जो भी किया। और फिर तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो आयुमू होती है वो अपने मॉम के पास जाती है, और उसकी मॉम उसको वेलकम करती है, और दोनों ही दोनों बाल काटते वक्त बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें मुझे टाइम देना चाहिए था अपने डैड के बारे में, और तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रही होती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आयुमू होती है वो बोलती है आप कम से कम थोड़ा सा सैड तो हो सकती थी। तो आयुमू की मॉम बोलती है अगर मैं सैड हो जाती तो तुम्हारे जो फादर है वो मेरे ऊपर गुस्सा करते, तुम्हारे फादर हमेशा बोलते थे कि जो भी हुआ उसको भूल के आगे बढ़ते जाना है और कभी भी रोना नहीं। और फिर तभी दोनों के दोनों रोने लगते उधर, और जो आयुमू होती है वो उसको बोलती है, अपनी मॉम को बोलती है कि तुम आप मत रो, कैसी बेटी है, थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मॉम आप रोती क्यों नहीं हो, जब रो रही है तो चुप करा रही है। और फिर सीन कट होता है, हमें बुढ़ा दिखाया जाता है जो कि अपने व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के एक आदमी को तीर मार देता है, और फिर जैसे ही वो बाहर आता है तभी एक और आदमी को तीर मार देता है। और फिर तभी हमें मदर दिखाई जाती है जो कि नहाने के लिए जा रही होती है, और फिर तभी वहाँ पे कोई आ जाता है, और जो मदर होती है वो बोलती है तुम यहाँ टाइम तो बताने आए नहीं होगे, बताओ यहाँ किस लिए आए हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बुढ़ा होता है वो उस बच्चे के पास चला जाता है जो मदर के साथ घूमता है, और उसको बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा आया तुम्हें लेने के लिए। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो ओसामू और मदर होती है दोनों को दोनों सेक्स करने लगते हैं, और वहीं हमें दूसरी तरफ वो बुढ़ा दिखाया जाता है जो कि मेडिसिन ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट रहता है और उसको मेडिसिन नहीं मिलता, तो वो गाड़ी में बैठा रहता है और वो निकल जाता है, और चलाते चलाते वो जाके एक पिलर पर ठोक देता है, और वो बुढ़ा वहीं पर बेहोश हो जाता है। सो गाइज, जापान सिंह का एपिसोड नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वो बुढ़ा ऐसा क्यों कर रहा है ये सब जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।